Hello students, welcome back to our YouTube channel. I am Pooja Raghav from Children's and Children Academy. Today's your subject is Hindi. Today's your subject is Hindi. Revision for term first. Revision करा रहे हैं आपका term first के लिए. Student, today's your topic is ma word जोड़कर शब्द बनाइए. Okay? Ma word जोड़कर शब्द बनाइए. Student, ये आपको ध्यान देना है. दो वर्ण के शब्द हैं ये हमारे दो वर्ण के शब्द. ये हमारे दो वर्ण के शब्द हैं. ओके, ये हमारे दो वर्ण के शब्द हैं जो हमें म वर्ण जोड़कर शब्द बनाना है. वो हमें दो वर्ण जोड़कर ही शब्द को बनाना है. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मैंने वन साइड पे म वर्ण लिखा है, एक दूसरी में म वर्ण लिखा है. यहाँ मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है. अब इसके बाद हम कुछ शब्द कुछ वर्णों को जोड़ेंगे म वर्ण के साथ, उसके बाद शब्द बनाएंगे. और आप भी मेरी हेल्प करिए कि कौन कौन से वर्ण जो है वर्णों के साथ म वर्ण को जोड़ना है. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ल वर्ण जोड़कर शब्द बनाना सिखाया, और आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं, म वर्ण जोड़कर शब्द बनाना सिखा रहे हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. पहला जो हम वर्ण ले रहे हैं, तो कहता है बोर्ड पे देखिए, पहला जो हमारा वर्ण है वो है क. पिछली बार भी हमने आपको क वर्ण से शुरुआत किया था ना, हमने क वर्ण से शुरुआत किया था ना. तो इस वाले वीडियो में भी हम आपका पहला जो वर्ण ले रहे हैं वो है क. ओके, चलिए अब हम क वर्ण के साथ कौन सा वर्ण जोड़ना है हमें. क वर्ण के साथ हमें म वर्ण जोड़ना है. ओके, तो इस साइड में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि ऐसे एरो करके मैंने आपको जोड़ के बताया था कि क के साथ हमें क्या जोड़ना है म. पिछले वीडियो में मैंने ल वर्ण जोड़ा था, और इस वीडियो में हम जोड़ रहे हैं म वर्ण. ओके, चलिए क और क के साथ क्या जोड़ना है हमें म. तो यहाँ पे क और म दोनों में मिलकर क्या हो जाएगा, क और म मिलकर क्या हो जाएगा, क म कम. आज हम कौन सा वर्ण जोड़ रहे हैं वर्णों के साथ, म वर्ण जोड़ रहे हैं. एक वर्ण जो लेफ्ट जो वर्ण है कोई भी वर्ण लेंगे उसके साथ हम म वर्ण जोड़ेंगे. दूसरे नंबर पे आएगा वो हमारा म वर्ण ही आएगा. चलिए अब हम अगला वर्ण लेते हैं. बताइए कौन से वर्ण के साथ हमें जोड़ना है, कोई भी वर्ण. चलिए बड़ा आ के साथ जोड़ते हैं म. बड़ा आ के साथ हम म को जोड़ते हैं. तो बताइए हमारा कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पे. बड़ा आ के साथ अगर हम म जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, बड़ा आ म. पहला वर्ण हमारा क्या है, बड़ा आ, और दूसरा वर्ण म, क्या हो गया आम. ओके, क्या हो गया आम, आम. चलिए कम आम. अब आते हैं अगले वर्ण पर. अगला वर्ण कौन सा लेना है, ग. ग ठीक, अगला वर्ण हमारा क्या है, ग है. ओके, अब ग के साथ हमें क्या जोड़ना है, बिल्कुल सही म वर्ण जोड़ना है. ओके, चलिए ग जोड़ते हैं हम म. ग म क्या हो गया, गम. कौन सा शब्द बना, ग म गम. ओके, चलिए आते हैं अगले वर्ण, अगला वर्ण ढूंढते हैं. अगला वर्ण क्या होगा, चलो अगला वर्ण हम लेते हैं छ. अगला वर्ण कौन सा लिया मैंने, छ. छ के साथ क्या जोड़ना है, च म. चम क्या बना, च म च म चम. देखिए च म चम. ओके, चलिए आगे आगे अगले वर्ण पर. छ छ म
ज, ओके, ज के साथ हम क्या जोड़ेंगे? म, ज, म, जम, क्या हो जाएगा? ज, म, जम, ये देखिए, जम हो गया ना? अब ज के बाद अगला नाम क्या है हमारा? ज, ज बम से यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग होता है। तो ब, म, क्या हो गया हमारा? बम।
यमराज वही यम या के बाद र र वर्ण जो लेते हैं र म क्या हो गया र म रम ओके अगला वर्ण क्या रहते हैं हम ल म ढ म डं ढ म